कि तू वहां की कोर्ट को भी खरीद लेगा, वहां के जज की भी तू डिसीजन खुद ही कर लेगा, खुद ही तू ऐसी नहीं होता। तो अपने अपने भारत देश में बड़बड़ा रहा है, इतने तुझे पाकिस्तानी गाली दे रहे हैं, उनका मुंह बंद करके दिखा दे तू। यहाँ पे तो तूने गीता भाई, यहाँ पे तो तूने गीता भाटी के ऊपर केस भी थोप दिया, उस पर तूने धाराएं भी लगा दी, वहां पाकिस्तानी तुझे हर रोज इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, हम तो सुन भी नहीं पा रहे हैं, उनका मुंह बंद कर बंद करके दिखा दे तू। इसने सुनो, इसने मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसने कागज भी भेज दिए एपी सिंह ने, है ना। मुझे ये समझ नहीं आती, ये नागरिकता पाकिस्तान से, पहले नागरिकता पाकिस्तान से लेगा ये क्या? और ये सारी पट्टी, ये सारी ये बुनियाद जो बनाने वाला है एपी सिंह ही है कि तूने बच्चों को लाना है, कैसे कैसे आना है, क्या क्या करना है इनकी। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे आई और तुरंत इसको वकील मिल गया, तुरंत इसकी पेशी हो गई, तुरंत इसकी वो हुई, नहीं। ये इनकी पहले से ही इनकी सांठगांठ बनी थी। और भारत सरकार को तो ये चाहिए, हमारे सरकार को देखो, ये उन्होंने गुलाम हैदर की यहाँ पे बिल्कुल मदद करनी चाहिए, बगैर किसी रोक टोक के और बगैर किसी के, बगैर लंबी कोई कार्यवाही के गुलाम हैदर को तुरंत यहाँ पे वीजा देना चाहिए भारत के लिए, ताकि ये मामला यहाँ आके वो अपना पेशी कोर्ट में करे और सबूत दिखाए और जज जल्दी से जल्दी डिसीजन ले। तो मिलेगा ही नहीं, जवाब मिलेगा कैसे? कहने का मतलब ये है कि जो वहां का नागरिक है, गुलाम हैदर अभी पाकिस्तान का नागरिक है, ये भी पाकिस्तान का नागरिक है, ठीक है, ये उसके बच्चे पाकिस्तान के नागरिक हैं, कुल मिला के जो अभी वहां पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है उसकी पहले सुनी जाएगी या इसकी सुनी जाएगी, एपी सिंह की? हाँ, तो देगा कैसे, दे देगा अगर वो, अगर मतलब वो वहां से क्या वेरिफिकेशन करेंगे? वो तो यही वेरिफिकेशन करेंगे कि ऐसे ऐसे भागी है, और क्या वेरिफिकेशन देंगे? ऐसे ऐसे भागी है, इनलीगल तरीके से भागी है। वो कोई वहां पे लेटर देने से वो कौन सा लीगल बता देंगे उसको? वो भी तो इनलीगली बताएंगे कि ऐसे भागी है ये करके। वहां से वेरिफिकेशन से भी तो यही पता लगेगा कि भाई घर बार बेच के भागी है। अब यहाँ के कोर्ट में ध्वंस जमा रहा, वहां का कोर्ट थोड़ी खरीद रखा है इसने, कोई पाकिस्तान का कोर्ट इसने खरीद थोड़ी रखा है। ये तो ये है ना, अपने घर में तो कहते हैं कि वो क्या बिल्ली भी क्या शेर बन जाती है, ऐसा होता है ना। ये देखो, ये तो पेशी में बहस कर सकता है, ये डिसीजन थोड़ी ले सकता है, और ये डिसीजन लेना तो जज का काम है, इसका काम थोड़ी है कोई डिसीजन लेना। और जो जो जज डिसीजन लेगा वो सबूतों के आधार पे लेगा भाई, खाली ऐसे मुंह से बोलने से थोड़ी जज मान जाएंगे, वहां तो सबूत चाहिए। ये मुंह से कितनी बहस कर ले, मुंह से आप कितनी कर ले, हम कितनी कर ले, वहां तो सबूत मांगते हैं ना। एपी सिंह सोच रहा है कि जैसे हमारी यहाँ पे हमारी ये जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ की दिल्ली की है, ऐसी सोच रहा है पाकिस्तान की भी होगी, मेरी यहाँ थोड़ी बहुत चलती तो वहां भी चलती होगी, सोच रहा है वहां भी चल जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। और वैसे भी तू यहाँ पे तू कितना जोर लगा लेगा इसे, तू कितना जोर लगा लेगा? आखिर जज जब डिसीजन लेंगे तो सबूतों के आधार पे लेंगे, इसके मुंह से बोल देगा, मुंह के बोलने से थोड़ी जज डिसीजन ले लेंगे, और इसका मुंह यहाँ से काला हो जल्दी से जल्दी। और भारत सरकार को तो तभी, भारत सरकार को तो, हमारी हमारी भारत सरकार को तो तभी पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लिए खुद ही लेटर तैयार करके भेज देना चाहिए था वहां की सरकार से कह के। ये तो कोर्ट कचहरी तक तो, ये भारत सरकार को तो तुरंत ही वहां पे, पाकिस्तान सरकार को वहां लेटर भेज के तुरंत ही इसके बच्चों को तुरंत ही डिपोर्ट कर देना चाहिए था, इसको डालते जेल में अब तक। अगर इनको लग रहा है कि भाई बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों के चक्कर में इसे बाहर छोड़ा का, तो बच्चों को तो तुरंत पाकिस्तान सरकार के हैंडओवर करना चाहिए था ना इन्होंने वहां पे। भाई ऐसा तो नहीं है कि बच्चों की माँ के अलावा कोई नहीं है, बच्चों के तो सारे हैं ना वहाँ, सारे अपने दादा सब सब कुछ तो सारा परिवार है वहाँ पे। बच्चों को तो तुरंत ही इन्होंने, भारत सरकार ने वहां पे पाकिस्तान सरकार से संपर्क साध के उनको, बच्चों को उनके हैंडओवर करना चाहिए था। बच्चों तो तब भी बेकसूर थे, अब भी बेकसूर है, कसूरवार तो ये भगोड़ी, इसको डालना था जेल के अंदर। इसको क्या यहाँ पे ये कमाई करके करेगी करके छोड़ रखा बाहर में, कि ये अपना वीडियो बना बना के यूट्यूब में ये अपने मेंबर जोड़ जोड़ के कमाई करेगी करके? आसान हो गया कि मतलब भारत, भारत से भारत देश आना और फिर अपना मतलब यहाँ के ना, यहाँ का अगर कोई भारत देश का नागरिक अगर कोई इस तरह से कोई गलत कदम उठाता है तो उसको तुरंत जेल के अंदर ठूसा जाता है, यहाँ तक कि उसको जमानत भी मिलनी मुश्किल हो जाती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे मामलों में ही उनको अपराधी बना के अंदर डाला जाता है, और उनको देखा आपने सालों तक जमानत भी नहीं मिल पाती। और इसने इतना संगीन जुर्म कर रखा है कि इतना मतलब ये लगा लो कि इनलीगल तरीके से पहले भारत में आना, मैं कह रही अगर ये बाहर अमेरिका वगैरह में होती ना, ये आज जेल के अंदर होती, बिल्कुल वो नहीं देखता कि इसके साथ बच्चे हैं या इसके साथ क्या है। उनको तो जो अपराधी है या तो जेल में ठूसो या उसको देश भेजो उसको। मतलब ये भारत, हमारी भारत सरकार क्या चाह रही, दो चार ऐसे पाकिस्तानी और आए और ऐसी यहाँ यूट्यूब में वीडियो बनाए और ऐसी तमाशा करे भारत देश में,
इजिली। अब ये तमाशा पूरा पाकिस्तान भी तो देख ही रहा होगा, उनको भी तो लग रहा होगा यार जब इतना आसान है, इतना सब मौज मस्ती है, तो हम भी क्यों ना स्टेप उठाएं, है ना। इससे इससे इसको इससे क्या भारत भारत सरकार को हमेशा जो गलत काम होता है उसको तुरंत उसको रफा दफा करके उसका वो करना चाहिए ना। ये थोड़ी उसको इतना लॉन्ग टाइम तक तुम खींचो जो है तमाशा बनाने के लिए। नहीं क्या, अब बताओ कौन कहेगा इसे मुजरिम, बताओ ये मतलब ये कहीं से किस एंगल से जिस हिसाब से खुलेआम वीडियो बना रही है, रह रही है, मौज मस्ती कर रहे हैं, ये एक मतलब एक जो भारत के यहाँ नागरिक है उनसे भी आम अच्छी जिंदगी जी रही है, तो कहाँ से मुजरिम है अभी ये, कहाँ से ये मुजरिम लग रही है आपको ये कहीं से? इतना संगीन जुर्म जिसके ऊपर जिसने किया वो इतने खुलेआम हमारे भारत देश में पैर पसार के यहाँ रह रहा है। भारत सरकार को तो तभी तभी जब इसकी सारी चोरी पकड़ी गई थी और जब ये इसके हर गुनाह मतलब सामने आ गए थे, तो भारत सरकार ने तो इसके बच्चों को चार बच्चों को इसको तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए था, उनके बाकी फैमिलियों के हैंड ओवर कर देना चाहिए था, और इसको डालना चाहिए था जेल में, इसको डालना चाहिए था कारावास में जो है, और चार बच्चे उसके देने चाहिए था पाकिस्तान के हैंड ओवर करना चाहिए था वहां पे। वो तो बच्चों को ढाल बना के ला रखी है, वो उसे बच्चों से लगाव थोड़ी है, वो तो बच्चों को अपना वो मजबूती बनाने के लिए ला रखी है, उसे मालूम है भाई उन्होंने तो पहले ही साल दो साल पहले ये षड्यंत्र रचा है कि ऐसे करेंगे ऐसा होगा, ऐसे करेंगे ऐसे होगा, और सारे ये दिमाग इनको खुराफात बताने वाला ये एपी सिंह ही है, ये एपी सिंह की करामात है, ये सारे इसके दिमाग में कोर्ट, ये सारे इन्होंने रणनीति पहले ही बना रखी थी, और ऐसे ऐसे क्योंकि कोर्ट में होता है ना, ये लोग सब जानते हैं भाई बच्चे अगर साथ में है तो कोर्ट भी भाई न्यायाधीश भी जो होता है वो भी थोड़ा सा वो ढील दे ही देता है, क्योंकि ऐसा है ना बच्चे नाबालिग हैं, नाबालिग बच्चों के चक्कर में इन्होंने क्या करा, बच्चों को ढाल बना रखा है, और ये सारी कहानी और ये सारी पट्टी ये सारी ये बुनियाद जो बनाने वाला है ये एपी सिंह ही है कि तूने बच्चों को लाना है, कैसे कैसे आना है, क्या क्या करना है इनकी, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे आई और तुरंत इसको वकील मिल गया, तुरंत इसकी पेशी हो गई, तुरंत इसकी वो हुई, नहीं ये इनकी पहले से ही इनकी साठगांठ बनी थी। कितनी गंदी गंदी बातें तो अब आम वीडियो में जहां जहां वो एक तो पत्रकार बिके हुए पत्रकार दो कौड़ी के पत्रकार जो है वो जगह जगह पार्कों में कहीं भी उसको पकड़ लेंगे और फिर वो वही कहानी शुरू हो जाएगा, वो जो है कि ये तो टेम्पो चलाता था, टेम्पो को सवारियों को पटा लेता था, ये कर लेता था, वो कर लेता था। अरे तू दुनिया को बोलना हम पागल हैं, हमको भी तो दिख रहा कौन सही था और कौन गलत था, है तेरे बोलने से क्या होगा, तेरे बोलने से हमको तो यकीन नहीं आ रहा जैसे तू बोल रहा है, और ये बहुत सही थी, नहीं जो बच्चों को वहां से कमा के पैसे भेज रहा था वो गलत था, और ये जो खाते पीते मौज मस्ती करते हुए यहाँ ये लप्पू के साथ यहाँ पे मुंह काला कर रखा, ये बहुत सही है। ये पत्रकारों को देखो ना, पत्रकारों को कैसे कैसे सवाल पूछते हैं पत्रकार जिंदगी में मुझे लग रहा है कि फिर तुझे भी यहाँ से डिपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इसके साथ ये भी डिपोर्ट होगा फिर जिंदगी में, हम भी यही है, तू रह के द्रक के दिखा ले यहाँ पे, ये देश ये एपी सिंह के खरीदा हुआ देश है क्या जिंदगी में जो कह रहा है, एपी सिंह के पूरे जज को भी जज इसके बस में है क्या, जज के सारे फैसले इसके बस में है क्या जो ये कहेगा जिंदगी में, तो इसको भी डिपोर्ट करो फिर जो है, फिर जिंदगी में तू रह ले उसके साथ रह भाई, भारत देश तो नहीं रखेगा यहाँ पे ना। और ये मामले को खींचने वाला भी जब ये मामला कोर्ट में चला गया ना, इसको आगे आगे खींचने वाला भी यही है, इसी की करामात है, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाता तो फिर वही पेशी पेशी करके आगे बढ़ा रहा है इस मामले को, ये इस मामले को आगे बढ़ाने वाला भी यही है ये मामले, और ये इसको ऐसा लग रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील ना हुआ तो न्यायाधीश बन गया सोच रहा है, ये ऐसा नहीं है। अभी वो गुलाम भारत सरकार को तो तुरंत यही करना चाहिए कि गुलाम हैदर को तुरंत से तुरंत उनको वीजा देके उनको भारत में बुलाना चाहिए, जब दो पक्ष कोर्ट में खड़े होंगे दोनों के सबूत देखे जाएंगे तब जाके पता लगेगा इसको, तब इसको पता लगेगा आटा चावल क्या भाव बितरा करके, अभी तो ये अकेले अकेले कूद रहा ना ये, जब इसको पाकिस्तानियों के आगे खड़ा होना पड़ेगा ना तब चलेगा इसे पता, तब इसके पैर कांपेंगे वहां पे, तब कांपेंगे इसके पैर जब वो वहां से उनके वकील आएंगे, और यहाँ से जो लेडीज अभी वो क्या नाम है उनका जो उनके गुलाम हैदर की तरफ से वो तैयार हो रखी है वकील एडवोकेट है ना, और साथ में रहेंगे जो उनके पाकिस्तान के वकील एडवोकेट जो उनके साथ आ रहे हैं, तब इसे पता लगेगा, अभी ये अकेले कूद रहा ना, अब किसी इंटरनेशनल दूसरे देश के वकील के साथ में फिर बहस करना तब देखें हम इसको जो है, अरे जज यूं ही बैठे हैं क्या, जज भी सबूतों के आधार पे ही तो निर्णय लेंगे, कैसे तू दे देगा नागरिकता, नागरिकता देना तेरे हाथ में है क्या,
मामला कोई कोर्ट में मामला नागरिकता के लिए नहीं चल रखा है, कोर्ट में मामला चल रखा है कि ये इसकी जो ये जो इनने इलीगल काम किए उसके चक्कर में चल रखा है। नागरिकता देना भारत सरकार का काम है न कि कोर्ट का काम है। नागरिकता कोर्ट नहीं देती बेवकूफ कहीं का, तू कैसे दे देगा, तेरे हाथ में है नागरिकता देने क्या? कोर्ट में तो उसके गुनाहों की पेशी चल रही है, नागरिकता की पेशी थोड़ी चल रही है उसकी कि तू वहां की कोर्ट को भी खरीद लेगा, वहां के जज की भी तू डिसीजन खुद ही कर लेगा, खुद ही तू ऐसी नहीं होता। तू अपने अपने भारत देश में बड़बड़ा रहा है, इतने तुझे पाकिस्तानी गाली दे रहे हैं, उनका मुंह बंद करके दिखा दे तू। यहाँ पे तो तूने गीता भाई, यहाँ पे तो तूने गीता भाटी के ऊपर केस भी थोप दिया, उस पे तूने धाराएं भी लगा दी, वहां पाकिस्तानी तुझे हर रोज इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, हम तो सुन भी नहीं पा रहे हैं, उनका मुंह बंद कर बंद करके दिखा दे तू। इसने सुनो, इसने मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसने कागज भी भेज दिए एपी सिंह ने, है ना। मुझे ये समझ नहीं आती ये नागरिकता पाकिस्तान से, पहले नागरिकता पाकिस्तान से लेगा ये क्या? और ये सारी पट्टी, ये सारी ये बुनियाद जो बनाने वाला है एपी सिंह ही है कि तूने बच्चों को लाना है, कैसे कैसे आना है, क्या क्या करना है इनकी। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे आई और तुरंत इसको वकील मिल गया, तुरंत इसकी पेशी हो गई, तुरंत इसकी वो हुई, नहीं। ये इनकी पहले से ही इनकी सांठगांठ बनी थी। और भारत सरकार को तो ये चाहिए, हमारे सरकार को देखो ये 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 उन्होंने गुलाम हैदर की यहाँ पे बिल्कुल मदद करनी चाहिए, बगैर किसी रोक टोक के और बगैर किसी के बगैर लंबी कोई कार्यवाही के गुलाम हैदर को तुरंत यहाँ पे वीजा देना चाहिए भारत के लिए, ताकि ये मामला यहाँ आके वो अपना पेशी कोर्ट में करे और सबूत दिखाए और जज जल्दी से जल्दी डिसीजन ले। तो मिलेगा ही नहीं, जवाब मिलेगा कैसे? कहने का मतलब ये है कि जो वहां का नागरिक है, गुलाम हैदर अभी पाकिस्तान का नागरिक है, ये भी पाकिस्तान का नागरिक है, ठीक है, ये उसके बच्चे पाकिस्तान के नागरिक हैं। कुल मिला के जो अभी वहां पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है उसकी पहले सुनी जाएगी या इसकी सुनी जाएगी, एपी सिंह की? हाँ, तो देगा कैसे दे देगा? अगर वो अगर मतलब वो वहां से क्या वेरिफिकेशन करेंगे? वो तो यही वेरिफिकेशन करेंगे कि ऐसे ऐसे भागी है, और क्या वेरिफिकेशन देंगे? ऐसे ऐसे भागी है, इनलीगल तरीके से भागी है। वो कोई वहां पे लेटर देने से वो कौन सा लीगल बता देंगे उसको? वो भी तो इनलीगली बताएंगे कि ऐसे भागी है ये करके। वहां से वेरिफिकेशन से भी तो यही पता लगेगा कि भाई घर बार बेच के भागी है। अब यहाँ के कोर्ट में धौंस जमा रहा, वहां का कोर्ट थोड़ी खरीद रखा है इसने कोई।